Now the question, in case of a direct vernier scale, graduation increasing in opposite direction in which the graduation of main scale increases, smallest division in longer than smallest division of main scale, graduation increasing in the same direction in which the graduation of main scale increases. None of these. So option C is correct. अब बताता हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डायरेक्ट वर्नियर स्केल. जो वर्नियर स्केल होता है ना बेटा, वो किस लिए यूज किया जाता है? वो यूज किया जाता है, ये एक डिवाइस होती है. वर्नियर स्केल इज अ डिवाइस इज यूज फॉर मेजरिंग रीडिंग. ठीक है, मेजरिंग के लिए किया जाता है. इससे हम क्या करते हैं, ये इससे हम लीस्ट काउंट बताते हैं. ठीक है, कि विच आर अ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए स्मॉलेस्ट डिविजन ऑफ मेन स्केल, है ना. तो इससे हमें रीडिंग बताते हैं कि व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द स्केल. ठीक है, रीडिंग के लिए यूज किया जाता है. और ये लीस्ट काउंट होता है कि मेन स्केल का जो स्मॉलेस्ट काउंट है उसको मेजर करता है. ठीक है, तो ये कई तरीके होता है, जैसे कि डायरेक्ट वर्नियर हुआ. कौन कौन से हुए? डायरेक्ट वर्नियर हुआ, या फिर क्या हुआ, रेट्रोग्रेड वर्नियर हुआ. कौन सा हुआ? रेट्रोग्रेड, है ना, और या फिर डबल वर्नियर हुआ. तो ये वर्नियर के टाइप होते हैं जो रीडिंग को मेजर करते हैं. इनका अलग अलग इनकी प्रोसेसिंग होती है. जैसे कि हम बात करें कि यदि डायरेक्ट वर्नियर जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है बेटा, कि मान लो कि ये मेन स्केल है, ये एक मेन स्केल है, इसके साथ वर्नियर स्केल कनेक्ट होता है, ऐसा होता है वर्नियर स्केल. ठीक है, तो मान लो कि इसकी जो रीडिंग लिखी हुई है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे 7 लिखा हुआ है. ठीक है, तो जो हमारा जो वर्नियर होता है ना, उस पर भी जो ऐसे लिखा हुआ होता है वो इसी डायरेक्शन में इंक्रीज करता है जिस डायरेक्शन में वर्नियर स्केल की रीडिंग भी इंक्रीज कर रही है. ठीक है, तो यदि ऐसा है तो हम उसको बोलते हैं डायरेक्ट वर्नियर. ओके, और डायरेक्ट वर्नियर का जो एंड डिविजन होता है ना, जो डायरेक्ट वर्नियर है उसको हम ऐसे डिस्क्राइब करते हैं कि जो एंड डिविजन है, एंड डिविजन ऑफ वर्नियर स्केल. ठीक है, वो इक्वल्स होता है n माइनस 1 डिविजन ऑफ मेन स्केल के. ओके, तो यदि ऐसा है कि n डिविजन ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल्स टू द n माइनस 1 डिविजन ऑफ मेन स्केल, तो हम उसको बोलते हैं डायरेक्ट वर्नियर. और डायरेक्ट वर्नियर के केस में जो मेन स्केल की रीडिंग होती है ना, वो उसी डायरेक्शन में इंक्रीज होती है जिस डायरेक्शन में हमारा मेन स्केल की जो रीडिंग है ना, वो डिपेंड, जो वर्नियर स्केल है वो डिपेंड करता है मेन स्केल की रीडिंग पे. जिस डायरेक्शन में मेन स्केल की रीडिंग इंक्रीज होती है, उस डायरेक्शन में वर्नियर स्केल की रीडिंग इंक्रीज होती जाती है. ओके, तो सो ऑप्शन सी इज करेक्ट.